हम क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी हम एक क्रड ऐप बना चुके थे, हम उसको जो है ना अभी रिएक्ट के यूआई से कनेक्ट करते हैं। पहले तो हमने प्लेन एचटीएमएल की यूआई बनाई थी, अब उसको हम रिएक्ट की यूआई से कनेक्ट करते हैं। और साथ साथ एक काम हम और भी करेंगे, आई एम नॉट श्योर कि आज की डेट में हम वो कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम इसके साथ जो है ना अब एक नया डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पाइन कॉन। सही है, हम ये जो क्रड ऑपरेशन करेंगे ये पाइन कॉन के साथ करेंगे हम। हाँ कर दो कर दो, खुद ही होता है वो तो। यार ये बड़ी देर लगा रहा है। ये देख रहे हो ये जो इनकी सीएलआई है ना, ये स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल पता है क्यों नहीं है? देखो नीचे कमांड चल रही है ना, अब मेरे पास या तो हो ना कि ये इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहा हो, ठीक है, इंटरनेट से ये कुछ डाउनलोड नहीं कर रहा, ये 80 KB है, या तो ये हो कि प्रोसेसिंग कर रहा हो कुछ, तो मेरा प्रोसेसर फुल हुआ, वो भी नहीं कर रहा, ना ही रैम ऐसा है कि रैम में कोई लाइन लग गई है बहुत लंबी चौड़ी। ये तीनों चीज़ें मेरी रिसोर्सेस फ्री हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है चुप करके। अब समहाउ जो है ना इन्होंने कुछ ऐसा भंड मारा हुआ है, या तो होना यार मेरा, क्योंकि मैं देखो मेरा प्रोसेसर अगर मैं तेज़ भी करूँगा ना, ये कमांड तेज़ नहीं होगी, क्योंकि प्रोसेसर तो ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है। ये प्रोसेसर है, ये शुरू वाले पता नहीं हाई कोर होते हैं एक लो कोर होता है, दोनों खाली पड़े हैं। ये जीपीयू है, जीपीयू भी खाली पड़ा हुआ है। ये इंटरनेट है, इंटरनेट 72 KB 48 KB पे चल रहा है। रैम जो है वो भी 67% पे है, यानी नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। एसएसडी में कोई रीड राइट भी नहीं हो रहा, ये एसएसडी के रीड राइट है। इसमें भी कोई हो ना कि बहुत ज़्यादा रीड राइट हो रहा हो कोई, ये 500-600 MB तक जाता ही है। अभी ये कहाँ घूम रहा है, 4-5 MB 16-17 MB पे घूम रहा है, लेकिन कमांड ही अपनी जगह खड़ी हुई है। अब इसको मैं रोक के सोच रहा हूँ दोबारा चलाऊँ। बस ये लगा हुआ है भाई, आज की डेट में नहीं चलता ये। अब देखो प्रोसेसर इसने ना ऊपर गया लेके, अब प्रोसेसर ऊपर लेके गया और कंप्लीट ऑलमोस्ट कर दिया इसने। अब कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, अब हो गया, जल्दी हो गया। चलो भाई तो हम आ गए जी क्रड पे। इसको मैं ज़रा नाम भी इसका रख दूँ, 6 डॉट क्रड। अबे यार एक तो ये एक्सेस वैक्सेस का बड़ा ये इशू दे रहा होता है यार।
अच्छा जी, SRC के अंदर आके मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊँगा, और कंपोनेंट्स, यार क्या सीन है ये। ओके, गेट इन्फो में जाके और इस ताले को खोल कर और मैं कहूँगा कि भाई रीड राइट एवरी वन और अप्लाई टू इनक्लोज्ड फोल्डर। और ताले को क्लोज एंड नाउ ठीक है जी, सेट हो गया। अच्छा जी, तो मेरे पास क्या आ चुका है इस वक्त, एक रिएक्ट की ऐप बनकर आ चुकी है, छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी। अच्छा, क्योंकि मैंने क्रड ऑपरेशन करना है तो मुझे क्या चाहिए, एक अदद सर्वर भी चाहिए जिसके ऊपर ज़ाहिर है APIs लगी हुई होंगी और जिसके साथ डेटाबेस कनेक्टेड होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो ये क्रड ऑपरेशन हमने किया था ना Node.js पढ़ते हुए, तो इस क्रड ऑपरेशन वाले पूरे फोल्डर को मैं उठा के लेकर आ जाता हूँ ना, ठीक है। अच्छा, जब हम अच्छा हमने क्या इसको रिएक्ट की ऐप को होस्ट करना सीख लिया था ना इंटरनेट पे, किस पे सीखा था होस्ट करना, फायरबेस पे सीखा था ना। अच्छा, इसी ऐप को हम अपने खुद के उस पे भी होस्ट कर सकते हैं, राइट, अपने खुद के एक्सप्रेस के सर्वर पे भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इस पूरे जो क्रड ऑपरेशन करके था ना, वो मैंने गलती कर दी, इसको मैं कॉपी करके ना एक यहाँ पे रिएक्ट के अंदर इसकी एक कॉपी बनाने लगा हूँ मैं अब। ओहो, क्या बकवास है यार। अच्छा, एक दफ़ा देख लेते हैं लेकिन ज़रा इस क्रड को, कि इसमें वो सारी चीज़ें हुई भी हैं अभी कि नहीं हुई भी हैं। हाँ, ये ना प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, यही है हमारे मतलब का आइटम। अच्छा, इसको मैंने कॉपी किया और रिएक्ट के फोल्डर के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक्चुअली ये क्या होगा, ये 6 डॉट क्रड ऑपरेशन ये होगा। अच्छा, और इसमें जो मेरा जो रिएक्ट की ऐप थी ना उसको मैं कर देता हूँ वेब, वेब उसका नाम रखता हूँ मैं। और ये एक मतलब एक कॉमन फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि जब हमारी ना एक्सप्रेस की ऐप और रिएक्ट की ऐप दोनों जब एक साथ बनाते हैं तो रूट जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन होती है। अभी आप देखें 6 डॉट क्रड ऑपरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये एक्सप्रेस का सर्वर .mjs यहाँ पे खुला हुआ है मेरे पास, ठीक है। और उस एक्सप्रेस की ऐप के अंदर ना एक वेब का फोल्डर है, और ये वेब का फोल्डर क्या चीज़ है, ये पूरी एक कंप्लीट रिएक्ट ऐप है जो मैंने अभी अभी नई ऐप तैयार की है, सही है, app.js इसका मैंने खाली किया है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड इसमें लिखता हूँ, और हेलो वर्ल्ड लिखकर इसको मैं क्या कर देता हूँ, अपने एक्सप्रेस की ऐप के अंदर इसको मैं होस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक्सप्रेस की ऐप के अंदर हम होस्ट कैसे करते हैं, हमने एक्सप्रेस की ऐप में HTML की फ़ाइल होस्ट करना सीखी थी पहले, है ना, कि HTML हम जैसे ही स्लैश की रिक्वेस्ट करते थे तो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी और सर्वर मुझे वो HTML की फ़ाइल देता था। तो सेम उसी तरीके से जो वो यहाँ पे भी हो रहा होगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि जो है ना CD, एक तो क्रड ऑपरेशन में आ गया मैं, यहाँ आके मैंने NPM रन डेव चला दिया। NPM रन डेव से क्या हुआ, मेरा जो सर्वर था वो डेवलपमेंट मोड में रन हो गया, ठीक है। NPM I ज़रा शायद एक दफ़ा मुझे उसमें चलाना पड़ेगा। ठीक है जी, और NPM रन डेव कर दिया मैंने। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा सर्वर जो है वो डेवलपमेंट मोड में चल पड़ा। अच्छा, अभी अगर मैं अपने सर्वर को स्लैश की रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ये क्या जवाब देता है, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये कोई जवाब नहीं देता क्योंकि स्लैश को मैंने शायद अंदर कुछ भी नहीं लगाया हुआ। देख लेते हैं कि हमने स्लैश के अंदर क्या इसमें अटैच किया हुआ है। हाँ, स्लैश के अंदर ये एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक और पब्लिक का फोल्डर अटैच किया हुआ है हमने। अच्छा, इस पब्लिक के फोल्डर की जगह अब हमने कौन सा फोल्डर अटैच करना है, जो मेरे रिएक्ट के जो वेब के फोल्डर में जो बिल्ड का फोल्डर जो बनेगा,
npm run build जब मैं चलाऊंगा ना, अच्छा मैं ये डुप्लीकेट का बटन दबाता हूँ और मैं दो कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिए, मैं cd करके वेब में जाता हूँ और cd वेब में जाने के बाद npm run build चलाता हूँ मैं। npm run build चलाने से क्या होगा, इसके अंदर एक build का फोल्डर बन जाएगा और मैं जस्ट ये जो स्टेटिक पहले लगाता था ना पब्लिक का फोल्डर, इसकी जगह मैं build का फोल्डर लगा दूंगा, दैट्स इट। तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा फिर मेरे लिए। अच्छा यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे क्या किया, बिल्ड का फोल्डर लगा दिया, हाँ स्लैश वेब भी आएगा, यस यू आर राइट, वेब स्लैश बिल्ड, ठीक है। डॉट स्लैश भी लगा सकते हैं, डॉट स्लैश नहीं लगाएं तब भी वो समझ जाता है। और अब मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट मेरा किधर चल रहा है, ये सर्वर मेरा चल रहा है 3000 पे, ठीक है। तो 3000 पे जो ये हेलो वर्ल्ड अब आ रहा है ये मेरे सर्वर से उठ के आ रहा है। चलो मैं काम करता हूँ मेरे सर्वर को ना, ज़रा मैं 3000 से हटा के ना इसको मैं कर देता हूँ 5001 पे ना, वरना 3000 पे चलती हुई चीज़ रिएक्ट ही फील कराती है ना। सही है, अब ये 3000 बंद कर दिया, अब ये 5001 पे चला गया। सही है, मेरा सर्वर 5001 पे। तो ये 5001 लिखने से क्या होता है, मेरे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है और यहाँ से ये जो गेट और ये यूज़ दोनों लगाया हुआ है, वैसे मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ यूज़ भी लगा दूँ तो भी काम करेगा ये, ठीक है। तो ये वाला मसला मेरा क्या हो गया, हल हो गया। सही है, तो मतलब ये हमने क्या सीख लिया, अपने रिएक्ट की ऐप को होस्ट करना सीख लिया अपने ही एक्सप्रेस के सर्वर पे। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इस कोड को पुश करूँगा किसी भी जगह पे, ठीक है, यानी कि गूगल क्लाउड पे जब मैं पुश करूँगा, ठीक है, तो ये बिल्ड का फोल्डर मैं इसके साथ लाजमी भेजूंगा। क्यों, कि जो ये गूगल क्लाउड इग्नोर जो है ना इसके अंदर ये, यानी अगर मैंने लगा दिया ना कि बिल्ड का फोल्डर इग्नोर कर दो तो बिल्ड का फोल्डर जाएगा ही नहीं, तो इससे मसला हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना कि अगर मैंने अपने सर्वर पे होस्ट किया हुआ है तो ये बिल्ड का फोल्डर मैं क्लाउड पे ज़रूर पुश करूँ, गिटहब में भले ना करूँ लेकिन क्लाउड में ज़रूर पुश करूँ, ठीक है। आमतौर पर क्या हो रहा होता है कि वो गिट इग्नोर को ही उठा के ना, लोग ऐसे गिट इग्नोर में जो जो लिखा होता है उसको उठा के और क्लाउड इग्नोर में भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये करना मुनासिब नहीं है, क्लाउड इग्नोर में आपने ख्याल रखना होता है इस चीज़ का कि भाई मेरा जो बिल्ड का फोल्डर है जिसके अंदर पूरी की पूरी ऐप पड़ी हुई है वो जा रही है नहीं जा रही, ठीक है। हाँ SRC का शायद आप क्लाउड में भेजते हुए ना, शायद आप क्लाउड में भेजते हुए शायद आप SRC का फोल्डर एक्सक्लूड मार दें, क्योंकि क्लाउड के ऊपर जब गया है तो उसमें SRC का कोई काम नहीं है, है ना, वहाँ पर सिर्फ बिल्ड का काम है। तो हो सकता है अभी SRC के फोल्डर को आप जो है ना वो कर दें कि भाई स्लैश वेब और स्लैश SRC, ये नहीं भेजना आपने, भेज भी दें तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, लेकिन अगर आपने बिजनेस लॉजिक को बिल्कुल ही सिक्योर रखना है तो आप ना भेजें क्लाउड पे। सही है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ जी अपनी app.js के ऊपर, और इस app.js के ऊपर आके अब मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, एक अदद मैंने फॉर्म बना लेना है। अच्छा फॉर्म मैंने पहले बनाया हुआ है, ठीक है, अपनी जो लास्ट हमने वेदर ऐप बनाई थी इसके अंदर फॉर्म हम बना चुके थे, तो ज़रा वहीं से ना फॉर्म वाला जो पूरा कंपोनेंट है ये app.jsx पूरा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सही है, ये app.jsx मैं पूरा का पूरा क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास क्या क्या कुछ आ जाएगा, मेरे पास जो है एक अदद फॉर्म आ जाएगा, इफेक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें फ़िलहाल, ज़रूरत तो वैसे रहेगी मुझे इफेक्ट की। ओके अच्छा आ जाता हूँ मैं अपने फॉर्म पे ना, फॉर्म से मैं इसको एडिट करना शुरू करता हूँ, पूरा मैं ऊपर से नीचे तक एडिट करूँगा होपफुली इसको। अच्छा तो मैंने कहा वेदर ऐप है ना ये, मैं इसको बोलता हूँ कि यार ये, अच्छा करड ऐप नहीं बोलते इसको हम, वैसे तो है ये करड ऑपरेशन, लेकिन इसका हम कुछ नाम रखते हैं अच्छा सा, इसका हम नाम रख देते हैं सोशल, क्या रखते हैं इसका, सोशल ऐप नहीं, एक्चुअली इसमें वो फेसबुक की तरह की पोस्ट बंदे कर रहे होंगे, एक्चुअली इस तरह का कुछ हम बनाना चाह रहे हैं, हाँ सोशल स्टोरीज ये कर देते हैं। सही है, हाँ ये सोशल स्टोरीज है ये। अच्छा इसके अंदर एक मेरे पास इनपुट है जिसकी टाइप टेक्स्ट है, इसको ID सिटी नेम दिया हुआ है, तो मैं इसको ID क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टाइटल, टाइटल इनपुट। सही है, और इसी के साथ एक इनपुट मैं और लगा देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली ये मैं इसको टेक्स्ट एरिया बनाना चाहूँगा। सही है, इसको मैंने टेक्स्ट एरिया बना दिया, और टेक्स्ट एरिया को जो है वो अलग से क्लोज करना होता है। सही है, इसको मैंने टेक्स्ट एरिया बना दिया, और टेक्स्ट एरिया को मैंने क्या कह दिया कि ये भी टाइप टेक्स्ट है, और इसका जो है ना
ये लेबल अलग से बना देता हूँ। अच्छा ये था टाइटल इनपुट, ये टाइटल हो गया है ना। पोस्ट में बंदा बोल दो लिखेगा, एक टाइटल लिखेगा और उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन या उसकी बॉडी लिखेगा, तो वो मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया। मैंने कहा कि जी ये है मेरा बॉडी इनपुट है, ये सही है, बॉडी इनपुट लगा दिया। और व्हाट इज़ इन योर माइंड, ठीक है, इस तरह की मैंने एक बात लिख दी, व्हाट इज़ इन योर माइंड। अच्छा इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो मेरे ख्याल है वो होगी 999, यानी 1000 वर्ड ऑलमोस्ट। और मिनिमम लेंथ जो इसकी होगी वो हम रख देते हैं, चलो इसकी रख देते हैं 10, ठीक है, कि 10 कैरेक्टर से कम की पोस्टिंग ना कर सके ये। अच्छा रिक्वायर्ड होगा ये भी ऑब्वियसली, और ऑन चेंज इसके ऊपर हमें, ऑन चेंज हमने समझने के लिए लगाया था, ऑन चेंज की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम ये रेफ से करेंगे काम, ठीक है। अच्छा इसको मैं एक को कह देता हूँ कि यार टाइटल इनपुट रेफ है ये, ठीक है, और दूसरे को मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, बॉडी इनपुट रेफ है, सही है। ये दोनों रेफ ऊपर बने हुए नहीं है, बना देते हैं दोनों रेफ को चल के ऊपर। सही है, टाइटल इनपुट रेफ और बॉडी इनपुट रेफ, ये दोनों मैंने क्या कर दिया, बना दिया यहाँ पे। इन दोनों को जो मेरा फाइनल हो चुका है, यानी ये दोनों फाइनल है ना मेरे, इन दोनों को मैंने टॉप पे कर दिया। शुरू में ये दोनों के दोनों नल होंगे, सही है। अच्छा नल रखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ ना, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ताकि जब टेक्स्ट बॉक्स लोड हो तो उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा हो लिखा हुआ, ठीक है। वेल नहीं यार, इसको नल रखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, असल में इसके अंदर जो चीज़ सेव हो रही है वो टेक्स्ट नहीं है, वो पूरा का पूरा डॉम एलिमेंट है, तो इसको नल रखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सही है, ठीक है। स्टेट को जो है ना, अगर स्टेट होती तो मैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखता। अच्छा जी अब आ जाते हैं हम आगे, इसी फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। इसी फॉर्म के अंदर आगे जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, एक अदद बटन है जिसके ऊपर गेट वेदर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि पोस्ट, सही है जी, पोस्ट हो गया। अच्छा उसके बाद जो नीचे ये डिस्प्ले हुआ हुआ है, ये सारा का सारा आइटम, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और क्योंकि मैं अपना डिस्प्ले खुद का बनाऊंगा यहाँ पे ना। अच्छा अब हम ऊपर आ जाते हैं कि ये जो सबमिट होता है जब ये फॉर्म, तो क्या होता है, ठीक है, चेंज हैंडलर की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने स्टेट की वजह से लगाया हुआ था। आ जाओ जी, जब ये फॉर्म सबमिट होता है तो मेरे पास इज़ लोडिंग एक के नाम से एक स्टेट बनी हुई है, चलो इसकी भी मुझे ज़रूरत रहेगी, इसको भी मैंने क्या कर दिया, फाइनलाइज कर दिया। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, एक एपीआई कॉल करूँगा, तो उससे पहले सेट लोडिंग को मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब की बार जो एपीआई होगी वो कौन सी होगी, वो मेरी खुद की एपीआई होगी, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्लैश v1 स्लैश और स्टोरी, और ये होगा पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी मोस्ट प्रॉबली, ठीक है। स्लैश एपीआई भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन चलो ठीक है, स्लैश v1 से मैं कर देता हूँ। ये अप्रोप्रिएट जो तरीका है ना एपीआई बनाने का, वो हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्लैश एपीआई और स्लैश v1 लगाते हैं, ठीक है। v1 इसलिए लगाते हैं कि कल को इसी एपीआई का v2 भी बनाना पड़ सकता है, तो फिर क्या होगा, एपीआई स्लैश v2 स्लैश स्टोरी, तो उसके ऊपर एक दूसरी एपीआई होगी जो नया वर्जन होगा उसका, ठीक है। क्योंकि पुराना वर्जन ख़त्म नहीं करते, एपीआई जब भी बनती है पुराना वर्जन हमेशा रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। फेसबुक का आज भी जो v1 है उसका एपीआई का, वो v1 आज भी अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको ये लिमिट कर देते हैं, उसको ये डेप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी जो है ना सपोर्ट कहीं ना कहीं बाकी रखते हैं। अच्छा तो मैंने बोला कि भाई एक पोस्ट की रिक्वेस्ट लगाओ, स्लैश एपीआई स्लैश v1 और स्लैश स्टोरी के ऊपर एक पोस्ट लगा दो। अच्छा उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आया उसको कॉन्सोल में रिस्पॉन्स करवा दो, इज़ लोडिंग को फॉल्स करवा दो, और ये सेट डेटा करके जो है ना, जो भी रिस्पॉन्स का डेटा आया है उसके अंदर क्या करवा दो, सेव करवा दो, ठीक है। लेकिन शायद मुझे इसको सेव करवाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा जस्ट वो ये आएगा कि जी पोस्ट सक्सेसफुल, तो बस इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई स्टेट बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ कि जी ना आप क्या है, अलर्ट है, ठीक है, सेट अलर्ट, सही है, एक अलर्ट के नाम से मैंने स्टेट बना ली, और इस अलर्ट में मैं इसको क्या करवा दूंगा, इसको सेट करवाऊंगा ना,
सेट अलर्ट। अच्छा, सेट अलर्ट के अंदर जो मैं चीज़ सेट करवाऊंगा वो क्या करवाऊंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, क्योंकि मैं सर्वर से हर दफ़ा एक मैसेज भेजता हूँ। मुझे ये बात पता है कि सर्वर से जो बॉडी आती है ना उसमें एक मैसेज की मैं लाजमी भेजता हूँ। ठीक है, इसमें मैं साथ में नलिश ऑपरेटर भी लगा देता हूँ। नलिश ऑपरेटर से क्या होगा कि वो अनडिफाइन वगैरह कभी होगा तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैंने क्या करना है, थोड़ी देर में स्क्रीन से गायब भी करवाना है। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद इसको मैंने वापस गायब करा देना है। कैसे कराऊंगा मैं ये काम, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दूंगा मैं, सेट टाइम आउट लगा के, और मैं क्या बोलूँगा कि एक फंक्शन होगा इसके अंदर, और ये फंक्शन क्या चलेगा, 4 सेकंड बाद चलेगा, और ये क्या करेगा, सेट अलर्ट को जो है वो वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग करवा देगा। ठीक है, इसको मैं सिंगल लाइन में भी लिख सकता था वैसे। ठीक है, इसको मैंने सिंगल लाइन में लिख दिया। तो जब भी अलर्ट ऐसे होगा और ऐसे ये सेट टाइम आउट हो जाएगा, लेकिन इसको करने का जो अप्रोप्रिएट तरीका है वो ये नहीं है। वो क्या है, इसको करने का जो अप्रोप्रिएट तरीका है वो क्या है, इसको करने का अप्रोप्रिएट तरीका इफ़ेक्ट के साथ है। ठीक है, इफ़ेक्ट के साथ करूँगा मैं कि जब भी सेट अलर्ट चेंज होगा ना, जब भी सेट अलर्ट क्या होगा, चेंज होगा, तो एक इफ़ेक्ट लगा हुआ होगा इसी स्टेट के ऊपर, और उसको मैं उसके अंदर क्या करा दूँगा, सेट टाइम आउट ही लगाऊंगा लेकिन उसके अंदर लगाऊंगा। उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मैं किसी भी जगह पे सेट अलर्ट करूँ ना, वो इफेक्ट खुद चलेगा। अभी क्या होगा कि जितनी जगह पे मैं सेट अलर्ट लगाऊंगा मुझे हर जगह ये सेट टाइम आउट साथ साथ उसके लगाना पड़ेगा और इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं ये काम इफेक्ट से कर लूँ तो अगर 4, 5 जगह, 10 जगह मैं अलर्ट के अंदर कोई बात लिखता हूँ तो वो जब जब क्या होगा, मेरा अलर्ट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट जो है वो चल पड़ेगा, और वो उसके अंदर मैं एक शायद कंडीशन लगा दूँ। ठीक है, तो इस सेट टाइम आउट को मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इसके लिए मैं क्या बना दूँगा, एक अदद यूज़ इफेक्ट बना दूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं कॉमा लगा के कहता हूँ कि यार इस पे कौन सा वाला चलेगा, अलर्ट जो है ना उस स्टेट में जब भी कोई चेंज आए तो ये यूज़ इफेक्ट क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, और यहाँ पे मैं ये सेट टाइम आउट वाला काम करा दूँगा। ठीक है भाई, सही किया मैंने ये बिल्कुल काम, इसमें कोई मसला तो नहीं है। मसला आइडेंटिफाई करो भाई, मसला है इसके अंदर। हाँ भाई, इस हाँ हाँ गेट वेदर के फंक्शन से ऑब्वियसली बाहर निकालेंगे। सही सही, ये तो मेरी मिस्टेक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, गेट वेदर के फंक्शन। हाँ रिटर्न तो चलो क्लीनअप फंक्शन होता है, उसमें तो मुझे कुछ नहीं करना फिलहाल। क्लीनअप तो नहीं है ना इसका कुछ मतलब, इस इफेक्ट के अंदर मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो लाइव कनेक्शन हो जाता है, ऐसा कोई काम नहीं करता मैं। ये तो जस्ट मैं क्लियर करता हूँ, ख़त्म हो जाती है चीज़ भाई। इससे ना मोस्ट प्रॉब्ली चलेगा इनफाइनाइट लूप। सही है, कैसे चलेगा बताओ। होगा क्या कि इसमें पहली दफा जब ये पेज मेरा रेंडर होगा ना, पहली दफा ही, तो ये सेट टाइम आउट रजिस्टर हो जाएगा, और सेट टाइम आउट रजिस्टर होने के ठीक 4 सेकंड बाद सेट अलर्ट में क्या होगा, एक चेंज आएगा, बावजूद इसके कि वो पहले भी एम्प्टी स्ट्रिंग था और वो अभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक नई वैल्यू जा रही है ना उसके अंदर, तो एक चेंज तो है। एरे होता तो ये काम नहीं होता, एरे में इसको कंसिडर नहीं करता, एरे में जब तक मैं क्लोन करके नहीं डालूँ उसको चेंज कंसिडर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग में दोबारा भी डालूंगा ना तो उसको चेंज कंसिडर करेगा, और वो उसको लगेगा कि अलर्ट में चेंज आया है। तो जैसे ही ये वाला काम होगा ना, सेट अलर्ट होगा जैसे ही, तो क्या होगा, ये इफेक्ट में क्योंकि मैंने लगाया हुआ है तो ये यूज़ इफेक्ट दोबारा चलेगा। ठीक है, फिर ये सेट टाइम आउट रजिस्टर हो जाएगा और ठीक 4 सेकंड बाद ये पेज दोबारा रीरेंडर होगा, तो ये हर 4 सेकंड बाद ये इनफाइनाइटली रेंडर होता रहेगा। आगे देखते हैं हमारी थ्योरी को कि आया गया हमारी जो थ्योरी है वो सही है या गलत है। अच्छा, ये रीरेंडर होगा तो पता कैसे चलेगा हमें, रीरेंडर होने पे पता कैसे चलेगा कि मैं जो है ना इस इफेक्ट के ऊपर लगाता हूँ कि यार
इफेक्ट, सही, ऐसे करके मैं लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हाँ ये तो बिल्ड मैंने चलाई हुई है ना सर्वर से, तो उसमें नई वाली चेंज नहीं आएगी, तो डेवलपमेंट के लिए मैंने चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एन पी एम स्टार्ट अलग से चलाऊँगा, सही है, एन पी एम स्टार्ट, ये सर्वर वाला बंद कर दूंगा, ये प्रोडक्शन के लिए ना सर्वर वाला, ये डेवलपमेंट के टाइम पे इसका काम नहीं होगा, सही है। कैन नॉट रिजॉल्व एक्जियोस, अच्छा एक्जियोस इंस्टॉल नहीं है, चलो कर लेते हैं। सही है, तो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये इफेक्ट एक दफ़ा चल पड़ता है, एक दफ़ा भी नहीं दो दफ़ा चल पड़ता है, सही है, क्योंकि वो डेवलपमेंट मोड में आपको पता है दो दफ़ा चलता है वो। अच्छा अब ये ठीक 4 सेकंड बाद इसको दोबारा चलना चाहिए था, ये सेट टाइम नहीं, इस इन्होंने जानबूझ के ही रखा है कि जो है ना अगर ये दो दफ़ा चलने पर आपकी लॉजिक सही काम करती है तो आपकी नहीं। तो भाई स्ट्रिक्ट मोड मेरे फ़ायदे के लिए ना, स्ट्रिक्ट मोड में ये दो दफ़ा चलना इसका फ़ीचर है, ये सही है, दो दफ़ा चलना इसका फ़ीचर है। और अगर ये दो दफ़ा चलने की वजह से आपकी लॉजिक में कोई मिस्टेक आती है, यानी जैसे लास्ट कल की क्लास में हमने ये डिटेल में डिस्कस की थी बात, कि अगर मेरा कार्ड वेदर का दो दफ़ा रेंडर हो जाता है, अगर है ना, क्योंकि पेज लोड होते ही मैंने वेदर गेट किया और स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया, तो अगर वो दो दफ़ा रेंडर हो जाता है दो दफ़ा इसके चलने की वजह से, तो इसका मतलब है मेरी लॉजिक में ये गड़बड़ है। मेरी लॉजिक ऐसी होनी चाहिए कि वो दो दफ़ा चले चार दफ़ा चले, मेरा कार्ड जितनी दफ़ा है रेंडर उतनी दफ़ा ही हो, सही है, उसकी वजह से गड़बड़ ना करे मेरा कार्ड। मैंने यहाँ पे लिखा टाइम आउट, तो पहली दफ़ा रिफ्रेश पे ही चलेगा इफेक्ट और उसके ठीक 4 सेकंड बाद चलेगा टाइम आउट, सही है। टाइम आउट जैसे ही चला तो उससे इफेक्ट दोबारा नहीं चला यार, लेकिन दोबारा नहीं चला भाई, नहीं टाइम आउट तो चल गया, लेकिन टाइम आउट के चलने से ये इफेक्ट दोबारा नहीं चला, ये जब ये वाला हुआ ना जब, तो इससे ये दोबारा ये इफेक्ट चला नहीं, हालांकि चलना चाहिए था इसको। वेल तो इसका भाई सीधा सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं जब भी यहाँ पे इसको चेंज करवाने लगूंगा ना, तो मैं क्या करूँगा एक अदद यहाँ पे लगाऊंगा इफ, कि इफ अगर जो है ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग पहले से नहीं है, अगर सही है, नहीं शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग दिया इसको मैंने, ठीक है, तो मैंने कहा कि इफ अलर्ट, अगर अलर्ट में कुछ है अगर, तो इसको जो है ना सेट टाइम आउट को रजिस्टर करोगे आप कि जी इसको क्लियर करना है। अगर अलर्ट में कुछ मौजूद नहीं है तो ये इफ ट्रू नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये नया टाइम आउट रजिस्टर नहीं होगा, इस तरह इनफाइनाइट लूप ये नहीं चलेगा। अच्छा अभी तो ये पेज रिफ्रेश पे नहीं हो रहा ना, मे बी हम बाद में जब इस पे चेंज कराएं ना हाथ से, तो जब जाके ये फिनोमेना हो तो हम लास्ट में ना इस, यानी जब हम अभी कोड जो कर रहे हैं इसके लास्ट में हम एक दफ़ा ये इफ हटा के देखेंगे, ये इफ हटा के देखने से वो कभी ना कभी इनफाइनाइट लूप मारेगा वो। अच्छा तो ये हमने क्या कर दिया, इसके लिए एक इफेक्ट तैयार कर दिया। अब हम इस कंपोनेंट के अंदर रहते हुए किसी भी जगह पे अलर्ट में कोई भी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 4 सेकंड बाद खुद से गायब होगा, ठीक है जी, आ जाओ। अच्छा अब हमारे पास क्या है जी, एक फंक्शन का नाम जो गेट वेदर है ना, इस गेट वेदर को नाम चेंज करके मैं कहता हूँ कि भाई पोस्ट स्टोरी, ये मैं इसका नाम रखता हूँ, सही है। इसमें इज लोडिंग ट्रू करवा दिया, एपीआई कॉल कर दी। अच्छा ये जो स्लैश करके मैंने लगाया, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बेस यूआरएल अभी इस ब्राउज़र में खुला हुआ है ना, वहाँ से आगे। अच्छा ये उसी सूरत में सही काम करेगा जब मैंने खुद के एक्सप्रेस के ऊपर इसको होस्ट किया होगा। अगर तो मैं फायरबेस पे होस्ट करता हूँ, फिर हर दफ़ा मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा यूआरएल लिखना पड़ेगा, या पूरा यूआरएल अगर मैं नहीं लिखूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, बेस यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में, या किसी भी जगह पे जहाँ पे वो मैं सब जगह एक्सेस कर सकूँ उसको, तो मैं उसको बेस यूआरएल करके एक बना लेता हूँ और उसको साथ में यहाँ पे ऐसे टेम्पलेटिंग करके लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ऐसे बेस यूआरएल और स्लैश करके फिर आगे की पूरी कहानी लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कभी भी मैं उसको कहीं और होस्ट करूँ, बेस यूआरएल चेंज हो तो वो मसला ना हो, ठीक है। अभी के केस में जो मैंने लिखा है, अभी तो बेस यूआरएल चेंज होगा उसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र के विंडो में जो बात लिखी हुई है उसको लेके चल रहा है ये,
इस वक्त। ठीक है जी, तो ये पोस्ट वाला काम हमने कर लिया। अब इसी काम को यहाँ पे ना, अच्छा अलर्ट को मैं यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा क्या कर देता हूँ, फॉर्म के ठीक नीचे इस अलर्ट को मैं क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, इस पे वैसे मुझे एंड एंड लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो उसको भी प्रिंट कराता है, यानी ज़रूरत है मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग को, वो प्रिंट करा देता है और वो एक एम्प्टी टैग के तौर पे शायद शो भी हो रहा होता है डॉम पे। ठीक है, तो इसमें इसकी ज़रूरत है मुझे। अच्छा जी, अब ये वाला काम मैंने कहाँ पे करना है जाके, मेरे सर्वर के ऊपर इस चीज़ को मैंने हैंडल कर लेना है कि स्लैश API स्लैश V1 और स्लैश स्टोरी। अब मैं आता हूँ जी अपने सर्वर पे, और मेरे सर्वर के ऊपर जो इस वक्त पोस्ट की API है वो कौन सी वाली है, स्लैश प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ये बना देता हूँ स्लैश API स्लैश V1 स्लैश स्टोरी। ठीक है, ये होगा मेरा जो प्रॉपर तरीका है ना API बनाने का, वो ये वाला है। अच्छा, आप स्लैश डायरेक्ट स्टोरी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सर्वर बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन ज़रा ये वाली जो बात है ना, ये क्या है, ये बात है वो वाली कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाली, और ये सारी चीज़ें हैं बस। ठीक है, कहीं पे भी आप अच्छी जगह पे जॉब वगैरह करने जाएंगे कभी भी, तो अगर आप ये चीज़ें पता होंगी ना आपको, तो वो ज़रा फिर सही रहते हैं, वरना अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपको वो सिखाएंगे तो फिर आपको शायद आपके लिए भी मुश्किल हो, उनके लिए भी मुश्किल हो। तो बेहतर है कि शुरू से ही हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको फॉलो करें। जब हमारी सर्वर की ऐप है जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये वाला तरीका फिर बड़ा कन्वीनियंट रहता है, इससे जो है ना हमारे सर्वर का कोड संभालने में आसानी होती है हमें। ठीक है, मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, अलग अलग फोल्डर में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिनी राउटर्स हमने यहाँ पर नहीं पढ़े हैं, लेकिन मिनी राउटर्स इसके बना लेते हैं फिर हम। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की क्लास में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, यहाँ पे जो है वो टाइम की कमी की वजह से मैंने एक्सप्रेस का ये वाला पार्ट कवर नहीं किया जो मिनी राउटर्स का। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे स्लैश API स्लैश V1 है ना, तो V1 का एक अलग मिनी राउटर होता है, V2 का अलग मिनी राउटर होता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम बना रहे होते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं अब हम वापस इधर। अच्छा, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इससे ना डमी रिस्पॉन्स भिजवा देते हैं, ये वैलिडेशन इसमें लगी हुई है, वैलिडेशन चलो हटा देते हैं फिलहाल। सही है, हम ज़रा अभी शॉर्ट शॉर्ट काम करते हैं, वैलिडेशन हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो वैलिडेशन में अपना टाइम हम ज़ाया नहीं करते। और इससे फ़िलहाल हम क्या करते हैं, डमी रिस्पॉन्स भिजवा देते हैं कि जी इस तरह का रिस्पॉन्स इसके अंदर से आ रहा होगा। तो ये नीचे जो भी कुछ है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इससे मैं क्या है इसको भिजवाता हूँ, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इसको मैं ये भिजवाता हूँ कि जी ये होगा एक अदद एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे नहीं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं क्या भिजवा रहा हूँ, एक अदद ऑब्जेक्ट भिजवा रहा हूँ जिसके अंदर क्या होगा, टाइटल होगा, ठीक है, ABC स्टोरी, और एक अंडर स्कोर आईडी होगी। ठीक है, अंडर स्कोर आईडी में कोई लंबी सी ऐसे आईडी होगी, और बॉडी होगा। एक बॉडी होगा, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं होगा, और साथ में क्रिएटेड ऑन हम लगाएंगे होपफुली इसमें, ताकि जिससे हमें पता लगे। ठीक है, और क्रिएटेड ऑन जो है वो इस तरह की एक डेट होगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से मिल रहा होगा फ्रंट एंड के ऊपर दिखाने के लिए। ओके, ठीक है, इस तरह का एक रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा होगा। ठीक है, आ जाओ गेट वाले पे चलते हैं, और गेट वाले पे चल के हम क्या कर लेते हैं, ये गेट प्रोडक्ट्स था ना, अब इसका नाम क्या होगा, स्लैश API स्लैश V1 स्लैश स्टोरीज, और स्टोरीज के जो रिस्पॉन्स के अंदर ना मैं क्या भिजवा दूंगा, एक इस तरह से ये भिजवा दूंगा। ठीक है, ये मैंने पूरा भिजवा दिया, तो अब मेरी दो APIs तैयार हो गई, डमी पे तैयार हुई हैं, इसके अंदर अब एक्चुअल डेटाबेस मैंने नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि हम डेटाबेस इसमें पाइन कोन इस्तेमाल करेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा फ्रंट एंड हम कंप्लीट कर लें, फिर एक दफ़ा इसमें पाइन कोन लगा देंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड बनाते हुए हम ये सीख रहे हैं कि रिएक्ट में API कैसे इंटीग्रेट होती है, अगर चारों API करनी हो, और हम ये हो गया जी हमारा, या मे भी शायद हमें API पहले कवर कर लेनी चाहिए थी, फ्रंट एंड बाद में करना चाहिए था, जैसे हमने HTML में किया था ना।
हाँ, मेरा ख्याल है कि एपीआई को हम पहले कवर कर लेते हैं। हमारे पास अभी हैं 15 से 20 मिनट हैं, तो होपफुली ये हमारे लिए गुड इनफ टाइम है। हम एपीआई को पहले कवर कर लेते हैं। स्लैश एपीआई स्लैश V1। अच्छा, मुझे सिंगल स्टोरी गेट करने वाला भी नहीं चाहिए एक्चुअली, तो सिंगल स्टोरी गेट करने वाला मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पोस्ट की एपीआई का डमी तैयार हो गया, और ये मेरी एडिट का हो गया, ये मेरे डिलीट का हो गया। एडिट और डिलीट वाले को मैं क्या कर देता हूँ, चलो यार आ जाओ अब जरा हम क्या कर लेते हैं। अच्छा, ये पाइन कोन का मैं पहले से बना के रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड वाला काम ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सीधा आके कोड सारा का सारा मैं कॉपी कर लूँगा। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए मुझे जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं वो क्या कौन सी है। एक तो पाइन कोन का क्लाइंट रिक्वायर्ड है मुझे, सही है। उसके अलावा मुझे ओपन एआई रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए ही चाहिए, सही है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी, और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इंस्टॉल भी कर लेता हूँ अपने सर्वर के ऊपर आके। तो मैं कहता हूँ कि जी sudo npm i क्या है नाम इसका, ओपन आई स्पेस और एट द रेट पाइन कोन स्लैश पाइन कोन, ये सही है। ये दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं मेरे पास, अब क्या मसला है भाई। अपडेट हो गई है शायद, और ये कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, तो ये तो है ही नहीं मेरे पास। देख लेते हैं, अगर तो अपडेट हो गई होगी तो लोग बता रहे होंगे, लोग बता रहे होंगे इंटरनेट पे। गेटिंग एरर व्हेन इंपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया ना, कह रहे हैं कि आर यू यूजिंग ओपन एआई V4, V4 हैड अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस। अच्छा, माइग्रेट टू V3 टू V4। देखो यार, अभी एक महीना भी नहीं हुआ उस एग्जाम्पल को मैंने बनाया है, और जो है ना अपडेट हो गया ये। अच्छा, npm एग्जीक्यूट और ये ओपन एआई लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक माइग्रेशन मारेगा। अच्छा, पहले ऐसे ओल्ड था ये, और न्यू में अब ऐसे है जस्ट ओपन एआई, जस्ट ओपन एआई ऐसे करते हैं। आ जाओ यार, इसको फिर ऐसे कर लेते हैं, डिफॉल्ट इम्पोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है इन्होंने, सही है, ऐसे करके करेंगे। नहीं, अब तो कोई भी चीज़ लगा दो इस पे, अब तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में जो भी चीज़ लिख के इम्पोर्ट करो उसी नाम से होता है। अच्छा जी, तो ये ऐसे करके न्यू की बना दिया। अब की मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और की डालने के लिए मैं क्या करता हूँ भला, के जो है ना, K
की के लिए मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो एक पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ होगा उसका डॉट ENV जस्ट मैं उठा के लेकर आ जाता हूँ। कैसे खोलूँगा मैं वो डॉट ENV, न्यू करा मैंने और यहाँ पे मैं आगे करता हूँ ये वेक्टर डेटाबेस हेलो वर्ल्ड करके ना, ये जो मेरी उसमें पड़ा हुआ है और इसका ये जो डॉट ENV है ये मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने इस नए प्रोजेक्ट में लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे सर्वर के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे सर्वर में पेस्ट हो गया। ठीक है, ये एक टूल है छोटा सा ऑटो क्लोकिंग करके, इसके अंदर जो OpenAI की जो की डली हुई है और पाइन कोन की जो की डली हुई है ये दोनों क्या है वो असली की है। और मैं आपको ये बता ज़रूर देता हूँ कि ये कहाँ से जो है उठा के ला रहा हूँ मैं। बहरहाल फ़िलहाल मैं OpenAI की ऐसी की जो है ना ये ऐसे उठा के लाके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर मुझे छोटा सा क्या काम और करना पड़ता है, छोटा सा एक काम और क्या करना पड़ता है कि मुझे कॉन्फ़िग में जाके ना ऐसे डॉट ENV कॉन्फ़िग ये एक लाइन एक लिखनी पड़ती है। ठीक है, जिससे वो क्या करता है उठा के रजिस्टर कर रहा होता है, अदरवाइज़ अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो ये डॉट ENV की फ़ाइल को ये रजिस्टर नहीं करता अगर। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने अभी तक का काम जो कर लिया है मैंने क्या कर लिया है, OpenAI को इम्पोर्ट कर लिया है, पाइन कोन को इम्पोर्ट कर लिया है और डॉट ENV को सेटअप कर लिया है जिसमें मेरे तमाम की तमाम API कीज़ मौजूद हैं। ठीक है, अभी API की बनती कैसे है ये हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, हमारी क्लास का यार टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, हम ज़रा ये OpenAI की ना की कैसे जनरेट होती है वो बता के और क्लास को हम यहाँ रोक लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा है। OpenAI.com पे आप जाते हैं, आप जाके करते हैं लॉगिन। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आप API पे क्लिक करते हैं, API पे क्लिक करने के बाद आप चले जाते हैं यहाँ पे अकाउंट, इस पे क्लिक करके और व्यू API कीज़ पे चले जाते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो भी API कीज़ बनी हुई हैं यहाँ पे आपकी वो यहाँ पे शो हो जाती है। अच्छा, इस API की के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस API की को आप यूज़ नहीं कर सकते अब आप। ठीक है, जब आप एक नई API की क्रिएट करते हैं, ये मैं बटन दबाऊंगा तो एक नई API की जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसको मुझे उसी वक्त सेव करना होता है, उसके बाद उसका सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ही दिख रहे होते हैं, 4 डिजिट, उसके बाद मैं उसको पूरा अगर देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये आप इससे की बना लेंगे। अच्छा, दूसरा ये आप इसके चले जाएंगे यूजेज में, और यूजेज में जाके आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप OpenAI के ऊपर नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे ना $18 का फ्री क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट जो है वो कितने के लिए होता है, सिर्फ 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और OpenAI पे नया अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल भी डिफरेंट चाहिए होता है, फ़ोन नंबर भी डिफरेंट चाहिए होता है, और फ़ोन नंबर ईमेल दोनों पे ये OTP भेजता है। सही है, तो नया अकाउंट बनाना नस्बतन ज़रा सा मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि ये दोनों चीज़ इसको डिफरेंट चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर सादा पे का कार्ड लगा दिए। अच्छा, चार्जेस इसके बहुत ही कम है, जब आप कार्ड लगाएंगे तो $5 आपसे ये चार्ज करता है लेकिन वो वापस आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जी आप जितना इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपको ये चार्ज करता है, पे एज़ यू गो है। ठीक है, यानी 3-4 सेंट का जो है ना 1,000 टोकन है, 1,000 टोकन इतना होता है कि 1,000 कैरेक्टर जितना होता है, तो 3-4 सेंट का है। अगर आप सुबह से शाम तक आप कंटिन्यूसली 8 घंटे इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना अगर, तो भी आपका जो है ना $1 नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो देखें पूरे सितंबर की जो पूरी बिलिंग है ना मेरे पास वो 0.04 है, पूरे सितंबर की जो बिलिंग है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं पीछे अगर जाता हूँ अगस्त में, अगस्त में 0.06 की मेरी बिलिंग है। ठीक है, किसी एक दिन मैंने बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये बना है 0.06 बना है। ठीक है, उसके अलावा फिर पीछे जुलाई में चले जाओ अगर आप, या और आप पीछे चले जाओ, ठीक है, तो कोई बिल नहीं है, बस इससे पहले तो मैं दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा था। तो भाई मैंने अगर इतना बिल नहीं बनाया तो आप भी नहीं बना सकते, ये मैंने ये सारे काम कर लिए हैं जो आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ ना, तो मेरा बिल जब नहीं बना, $1 नहीं पहुँचा सका मैं, तो आप भी नहीं पहुँचा सकते। हाँ, लेकिन आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आपकी जो ये API की है ना जो, सही है, ये लीक ना हो जाए, ये डॉट ENV के अंदर जो आपकी API की है जिसको मैंने ये ऑटो क्लोकिंग करके, इसका एक्सटेंशन है VS कोड का, इसको मैंने लगाया हुआ है, तो इसके ज़रिए ये मुझे दिख नहीं रहा। सही है, आपको भी नहीं दिख रहा, वीडियो पर रिकॉर्ड हो रहा है उसको भी नहीं दिख रहा, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अगर ये आपकी API की अगर लीक हो जाती है GitHub के ऊपर, अगर आपने पब्लिक प्रोफाइल पे, पब्लिक रिपोजिटरी में अगर इसको पुश किया आपने, तो शाम तक आपकी गेम उतर जाएगी।
सही है। और ये मैं आपको बता दूं, उसका रीज़न ये है कि लोगों ने वॉचर्स लगाए हुए होते हैं ये, क्योंकि गिटहब की तो API फ्री है ना, अब पता नहीं फ्री है या पेड है, बारह लोगों ने वॉचर्स लगाए हुए होते हैं, तो जितनी भी पब्लिक रिपोजिटरी में कमिट हो रहा होता है ना, जितनी भी कमिट्स हो रही होती हैं उसके ऊपर वॉचर लगाया हुआ होता है, वो पूरी कमिट उठाते हैं और पूरे पे रेगुलर एक्सप्रेशन मारते हैं और सारी की तलाश करते हैं, AWS की, पाइनकॉन की, OpenAI की। तो वो उन्होंने लगा के छोड़ा हुआ होता है, तो वो हर एक दो दिन बाद चेक करते हैं, उनको जितनी की मिलती है वो सब पे गेम उतार देते हैं। सही है, ये हैकर्स होते हैं जो जिन्होंने वॉचर पहले से लगा के रखे होते हैं। की यूज़ करेंगे ना, उन्होंने वो माइनिंग वाइनिंग लगाई होती है गूगल क्लाउड पे, तो अगर तो AWS की या गूगल क्लाउड की मिल गई उनको, तो वो एक नया इंस्टेंस बनाएंगे आपकी की से, और जब तक वो चलेगा उसको चला देंगे, वो जो भी चीज़ है RDP बना बना के बेचेंगे आपकी की के साथ। या पाइन कोन की अगर की मिल गई तो वो उसको भी ब्लैक मार्केट में बेच देंगे उस की को, कि भाई ये वर्किंग की है इसको रगड़ दो जितना भी है। तो अगर एक बड़ी ऐप अगर कोई होती है ना जो जिस पे अच्छी ट्रैफिक है अगर, तो अगर उसके ऊपर एक दिन के लिए आपकी की आ गई ना, कंपनी की हटा के और आपकी की लग गई अगर एक दिन के लिए, तो बड़ा मसला हो सकता है। सही है, नहीं वैसे तो लिमिट, मैंने तो लिमिट ये लगाई हुई है कि मैंने कार्ड कर दिया फ्रीज सादा पे के ऊपर ना, मैंने एक तो टोटल मेरे उस पे रखे भाई 4,000 हैं, तो उस 4,000 से भी जो मैंने कार्ड जब बनाया ना जब, तो कार्ड वो पूरा अमाउंट कार्ड के अंदर ही होता है एक्चुअली वो 4,000, तो वो यूज़ करने के बाद मैंने उस कार्ड को कर दिया फ्रीज़, तो अब उस कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। और मैंने करके ट्राई भी कर लिया ये, मतलब पहले मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया ना, तो पहले मैंने फ्रीज़ करके कार्ड लगाया तो कार्ड नहीं लग रहा था, फिर मैंने अनफ्रीज़ करके लगाया तो वो लग गया, तो इसका मतलब वो फ्रीज़ वाकई काम करता है। तो मैंने तो फ्रीज़ कर दिया, अगर इस पर ज़्यादा बिल बनता है मेरा जस्ट इन केस, यानी ये हर महीने मेरा अकाउंट बंद हो गई है एक्चुअली। अभी ये जो बिलिंग हुई भी है ना, ये वाली ये बिलिंग जो हुई भी है, ये जब वो इसको पे करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा पे, और अल्टीमेटली ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर जब भी मैं यूज़ करूँगा मैं दोबारा वो बटन दबाऊँगा, बिलिंग क्लियर मारूँगा, मेरा दोबारा अकाउंट चल पड़ेगा, तो ये सीन है। ठीक है, तो मैं तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल किया हुआ है मैंने। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है यार कोई इतना ज़्यादा बिल मेरा होने नहीं वाला, या कोई मेरा ऐसा क्रिटिकल इस पे बिज़नेस फ़िलहाल नहीं है। अगर तो क्रिटिकल बिज़नेस होता है ना, तो फिर आप ये हरकत नहीं कर सकते उस पे, वो चलता हुआ अकाउंट सस्पेंड होगा, बिज़नेस रुक जाएगा, उस पे तो ये काम नहीं कर सकते। ये डेवलपमेंट के टाइम पे ये काम कर सकते हैं आप। अच्छा, मेरे नज़र में वैसे इनको इतना फ्री देना चाहिए था डेवलपर्स के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। लोग असल में एक्सप्लॉइट भी करते हैं जो फ्री रिसोर्सेज को ना, और ये भी नया नया प्लेटफॉर्म है, बजट वैसे इनका टाइट हुआ है, शुरू में तो पैसे वैसे इनको मिले, खूब मज़ा आया इनको, लेकिन अभी इनका गेम उतरने वाला है। सही है, इनका सब नीचे आ रहा है जो सारा ऊपर गया था ना प्रेस की वजह से। अब जाहिर है लोगों को आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी फेस कर रहे हैं लोग, कि अच्छा जी जिस तरह से बताया था ये एक्चुअली डिफरेंट चीज़ है ये, तो आहिस्ता आहिस्ता भी ये नीचे आता जा रहा है, तो ज़रा ये मामलात चल रहे हैं। और फ्री व्री तो इन्होंने बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। अच्छा, ये OpenAI की मैंने की बता दी आपको कैसे बनेगी। अच्छा, की के बाद अब जो आगे की कहानी है वो तो हम कोडिंग में देखेंगे। अच्छा, दूसरा आप जो है ना पाइन कोन के अंदर देख लेते हैं कि उसकी की कैसे बनती है। ठीक है, मैं पाइन कोन में गया, इसके ऊपर मैंने साइन अप करना है। ठीक है, और मैंने साइन अप किया हुआ है पहले से, तो मैं लॉग इन करूँगा। वेलकम बैक टू पाइन कॉन, ओके, लॉग इन विद गूगल। ठीक है जी, मैंने तो लॉग इन विद गूगल ही किया था शायद मैंने, आई एम नॉट श्योर, मुझे भी याद नहीं है, देखते हैं क्या निकलता है आगे से। ले मेरा भाई, अच्छा जी, तो ये है इसका API की, यहाँ से API की बन रही होती है इसकी। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी, और ये आंखों वाला बटन दबाऊंगा तो ये शो हो जाएगा, यहाँ पे अभी ये फिलहाल हिडन शो हो रहा है। तो यहाँ से इसकी API की आपने उठा लेनी है, और थोड़ा सा मैं आपको दो चार जुमलों में ओवरव्यू दे दूँ कि पाइन कोन क्या भला है। पाइन कोन जो है ना, इसके अंदर इंडेक्सेस बनते हैं। अच्छा, मेरे पास ये इंडेक्स अभी बना हुआ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं बना हुआ आ रहा, हालांकि आना चाहिए बना हुआ। ठीक है, अच्छा, पाइन कोन के अंदर भाई लिमिटेशन ये है कि अगर 7 दिन तक आप इसको यूज़ नहीं करते ना, तो सारा डेटा गायब कर देता है, उड़ा देता है।
कहता है फ्री अकाउंट जो है ना वो अगर आपने 7 दिन तक यूज़ नहीं किया तो उड़ा देता है। तो इसमें मैं एक इंडेक्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पे करड ऐप। अच्छा ये मैं अभी क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ये अभी मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं बनाऊंगा ना ये 12 घंटे बाद क्रिएशन इसकी कंप्लीट होगी। जैसे मोंगो डीबी के अंदर हम बनाते हैं ना नया डेटाबेस, नया क्लस्टर बनाते हैं तो वो थोड़ी देर घूमता है पहले, लेकिन वो तो 2-4 मिनट लेता है मोंगो डीबी, ये भाई 12-12 घंटे भी ले लेता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मामला चल रहा है उसके अंदर। तो मैं ये अभी बना लेता हूँ, ठीक है, करड ऑपरेशन मैंने इसका नाम लिखा। अच्छा कन्फिगर योर डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन आप लिखेंगे 1536। अच्छा ये 1536 क्यों लिखेंगे आप, क्योंकि जो ओपन एआई जो वेक्टर बनाता है वो 1536 का बनाता है, सही है। अब वेक्टर क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता ये हम ये पूरा करड़ ऑपरेशन करने के बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि ये वेक्टर होता क्या भला है, सही है, पहले हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। अच्छा और ये मैट्रिक होता है, ये 2-3 अलग अलग हैं, डॉट प्रोडक्ट है और ये क्लाइन, इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देना, ठीक है, इससे आई एम नॉट श्योर कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी इतनी रिसर्च मैंने भी इसके ऊपर नहीं की। डिफ़ॉल्ट पे ही सब लोग बना रहे हैं ना, जितने भी मैंने देखे हैं ना ट्यूटोरियल्स और ओपन एआई वालों ने खुद भी जो लिखा है वो डिफ़ॉल्ट पे ही इसको चला रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये प्लान सेलेक्ट करते हैं, स्टार्टर प्लान है इसके ऊपर, और फ्री टियर के अंदर ना एक ही बना सकते हैं, तो और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है इंडेक्सेस विल टर्मिनेटेड आफ्टर 7 डेज ऑफ इनएक्टिविटी, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपका ये। अच्छा क्रिएट इंडेक्स का मैंने क्या कर दिया, बटन दबा दिया और ये क्या होना शुरू हो गया, इनिशियलाइजिंग होना शुरू हो गया। अब ये इनिशियलाइजिंग जो है ना कम से कम 12 घंटे तो शायद ना ले, लेकिन 3-4 घंटे से पहले नहीं सीधा होता ये, इसको लगा के ना इसको चला के मैंने पूरी पूरी सीरीज़ देखी है, उसके बाद जाके मैंने लगाया, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ एक एपिसोड देखता हूँ, एक एपिसोड ख़त्म हुआ वापस आया रिफ़्रेश किया कुछ नहीं, वही इनिशियलाइजिंग। मैंने कहा शायद मेरा सिस्टम स्टक हो गया है, डिलीट मार के दोबारा किया मैंने, फिर एक एपिसोड देगा फिर वही। अबे मैंने कहा ये क्या सीन है, मैं तो पहले तो मेरे समझ ही नहीं आया कि ये वाकई इतना टाइम लेता है क्या। तो 2-3 दफ़ा तो मैं ऐसे मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने बना के ना मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार ओवरनाइट छोड़ता हूँ इसको फिर देखता हूँ क्या होता है। तो अगले दिन वो बना हुआ था, नहीं खुले में नहीं, बस भले बंद भी कर दूँ इसको, मैं इसको भले रिफ़्रेश कर दूँ या बंद कर दूँ वो मसला नहीं है, क्योंकि ये तो क्लाउड बेस है ना। अबे हो गया इनिशियलाइज, नहीं नहीं हुआ मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट ना थोड़ी देर में लोड हुआ, मैं समझा अरे ये क्या हुआ, ये एकदम इनिशियलाइज हो गया, देख रहे हो ऐसा लग रहा है हो गया, लेकिन ये हुआ नहीं है असल में। ये तो इसने मुझे URL भी दे दिया, सब दे दिया ना बना के, और नीचे ये अभी नो डेटा भी शो करने लग गया, लेकिन अभी मैं इस पर रिक्वेस्ट मारूंगा ना तो ये मना करेगा, रिक्वेस्ट मारूंगा ना तो ये उसको बोलेगा कि यार ये तो डेटाबेस ही नहीं है, पता नहीं इस तरह की बात करता है कोई, ठीक है। तो भाई पाइन कोन पे सब लोगों ने क्या कर देना है, रजिस्टर कर लेना है और उस पर एक इंडेक्स इनिशियलाइज कर लेना है किसी भी नाम से, नाम से डिपेंड नहीं करता क्योंकि नाम किसी को दिखेगा नहीं, ये आपको ही दिखेगा एज अ डेवलपर, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम यहाँ पे करें ना इसका क्रॉड ऑपरेशन, तो आप क्या करो आप भी साथ साथ उसको अगर परफॉर्म करना चाहो क्लास के बाद साइड में बैठ के यहाँ, तो आप कर सको उसको, ठीक है। तो आज की डेट में हमने क्या कर लिया, ज़रा सा रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं, सही है। हमने सबसे पहले काम क्या कर लिया है कि एक जी हमने फोल्डर बना लिया, एक हमने फोल्डर बना लिया करड़ ऑपरेशन के नाम से, जो कि क्या है पूरा का पूरा एक एक्सप्रेस का सर्वर है, सही है। इस एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर मेरे पास एक वेब का फोल्डर है जो एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, इस वेब के फोल्डर में मैंने थोड़ा सा काम फ्रंट एंड पे किया, यानी कि फॉर्म बना लिया और फॉर्म बना के पोस्ट करता हूँ तो वो सर्वर पे आ रहा है वो पोस्ट, ठीक है। दूसरा काम मैंने ये कर लिया है कि मैंने जो सर्वर बनाया था उसमें पाइन कोन वगैरह को इंक्लूड कर लिया और इनिशियलाइज कर लिया, और अब हम पहले API को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। API के अंदर हम जो करड़ ऑपरेशन है वो पहले कंप्लीट करेंगे, हमने API में वैसे करड़ ऑपरेशन किया हुआ है लेकिन MongoDB के साथ किया हुआ है, अब हम पाइन कोन के साथ करेंगे। अच्छा पाइन कोन के साथ करने का जो रीज़न है वो मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है कि ये वेक्टर डेटाबेस है और इसकी हमें इन फ्यूचर चैट बॉट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। वेक्टर डेटाबेस से क्या मुराद है, ये पूरी कंप्लीट करने के बाद एग्जांपल हम ये वेक्टर को समझेंगे कि वेक्टर जो है वो क्या भला होती है, ठीक है। तो हमें वेक्टर डेटाबेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अभी क्रड ऑपरेशन तो हमने करना ही करना है या चैट ऐप हमने बनानी बनानी है, तो ये चैट ऐप ये क्रड ऐप हम इसके साथ बनाएंगे ताकि हम इस डेटाबेस पे हमारा हाथ सेट हो जाए, बाद में फिर हम ये डेटाबेस दोबारा से पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम जब चैट बॉट बना रहे होंगे तो हम इसको साथ साथ फिर चला रहे होंगे, ठीक है जी। चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।